हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो ये टॉपिक है हेल्थ के रिगार्डिंग, जिसमें क्या कहा गया है, इंडिया सीज रिडक्शन इन स्टनिंग बट वास्टिंग ओबेसिटी आर कंसर्न। एक रिपोर्ट आई है, जो कि रिपोर्ट किसके ऊपर है, जॉइंट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमारे कुपोषण की बात करता है। ठीक है, जो मतलब कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे, माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण होता है, जिसमें क्या कहा गया है कि रिडक्शन तो देखा गया किसमें, स्टंटिंग में, बट जो दूसरा वाले हैं ओबेसिटी और वॉस्टिंग है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न का इशू है कि इसमें मतलब कुछ नहीं देखा गया, बल्कि इसमें इंक्रीमेंट देखी गई है। तो इसके रिगार्डिंग हमारी रिपोर्ट आई है। तो अब ये रिपोर्ट के अंदर किसमें क्या, इसका पूरा कंटेक्स्ट क्या है, जो यूनिसेफ होती है, ठीक है, यूनिसेफ में कौन होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड फंड आ जाता है हमारा, और उसके साथ साथ हमारे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये तीनों मिल के एक रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, वो रिपोर्ट जो रिलीज़ करती है वो माल न्यूट्रिशन के ऊपर होती है, जो कि बताती है लेवल एंड ट्रेंड क्या है हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, कुपोषण के कितना क्या रिपोर्ट है, वो सारी ये बात करती है कुपोषण के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी पूरी पूरी जो रिपोर्ट आई है ना, इसके रिगार्डिंग बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्टंटिंग में तो रिडक्शन दिखा है, पर कंसर्न है वास्टिंग और ओबेसिटी का। अब स्टंटिंग क्या होती है और ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैं बताऊंगी। स्टंटिंग हमारा होता है जो कि लोअर हाइट होती है। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चे की हाइट कम है उसके एज के कंपेरिजन में, हाइट कम है, एज जितनी है ना उसके हिसाब से हाइट कम है। वास्टिंग में क्या होता है कि बच्चे का के साथ क्या है, उसकी जो है ना चाइल्ड का ना वास्टिंग मतलब वेट वगैरह ना कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से। ठीक है, और जो एयर उसकी बात करते हैं हम ओवरवेट की, तो ओबेसिटी वगैरह जो ओवरवेट आता है हमारा, इसके अंदर आता है बहुत ज़्यादा वेट है किसके कंपैरिजन में, एज के कंपैरिजन में। तो इसके रिगार्डिंग हमारी पूरी पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिपोर्ट आती है वो जॉइंट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एस्टिमेशन की रिपोर्ट आती है, जो कि हर साल रिलीज़ होती है। ठीक है, जो 2020 की आई है ना, उसमें क्या कहा गया है कि ये ना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि वास्टिंग से कॉज हो रही है बच्चों को, जो पुअर न्यूट्रिशन आ रही है ना, वो वास्टिंग देखने को मिल रही है, ओबेसिटी देखने को मिल रहा है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कंसर्न का इशू आ गया कि पुअर जो माल न्यूट्रिशन मिल रहा है ना बच्चों को, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि उन्हें मिल ही नहीं रहा, खाना तो मिल रहा है बट पुअर मिल रहा है। तो उनके रिगार्डिंग ये पूरी पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, अब हमारी इसके अंदर बात होती है जॉइंट जो माल न्यूट्रिशन है वो हमारा क्या होता है, हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जो JME है, ये जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेशन है, जो कि हमारा 2011 में आया था। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है किस चीज़ को, जो भी हमारी चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की दिक्कत देखने को मिल रही है बच्चों के अंदर, कमी कुपोषण के जो शिकार बच्चे, उनके रिगार्डिंग ये कंसर्न दिखाता है, उनके रिगार्डिंग ये उन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ये एक इंटर एजेंसी टीम है जो कि एनुअली हर साल एनुअली अपनी रिपोर्ट देती है, जो कि कितनी क्या कमी है बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर स्टंटिंग, ओवरवेट, अंडरवेट, वास्टिंग, सीवियर वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें ये बताती है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है मैं माल न्यूट्रिशन बहुत बार बात कर रही हूँ, तो ये माल न्यूट्रिशन होता क्या है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया माल न्यूट्रिशन हमारा कुपोषण, हिंदी में कुपोषण के जो शिकार होते हैं वो बच्चे, जो मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि जो बच्चा है ना, जो पर्सन है, उसको मतलब एक तरह से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। ठीक है, उसको खाना तो मिल रहा है बट उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, इवन वो जो एनर्जी इनटेक कर रहा है ना पर्सन, जितने उसको करनी चाहिए उसमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, या तो किसी ने ज़्यादा कर लिया या किसी को एक्सेस अमाउंट में, या किसी को मिल ही नहीं रहा, किसी के पास डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती है, तो वो पर्सन कुपोषण का शिकार होता है। ठीक है, ये हमेशा टू ब्रॉड कैटेगरी को डिफाइन करती है। ठीक है, टू ब्रॉड कैटेगरी, अब वो ब्रॉड कैटेगरी क्या है, पहले में तो ये बताती है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, अब अंडर न्यूट्रिशन में क्या है कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, तो इसमें स्टंटिंग की वो देखने को मिल जाते हैं कि बच्चे क्या है, लो हाइट है, हाइट कम है एज कम्पेयर टू एज, तो लो हाइट देखने को मिलते हैं बच्चे की स्टंटिंग, तो इसमें तो देखा गया है ये रिपोर्ट सही है। बट उसके बाद आते हैं वास्टिंग की, वास्टिंग में क्या होता है कि लो वेट है बच्चे का, लो वेट है एज कम्पेयर टू एज। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाते हैं अंडर वेट,
कि बच्चे का जो वेट है ना लो वेट है एज के कंपेयर में, ओवर वेट में बच्चे का जो वेट है ना वो ज़्यादा है एज के कंपैरिजन में, ठीक है। इवन इसके अंदर क्या देखिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं न्यूट्रिएंट उनकी भी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है बच्चों के अंदर, कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना बच्चे के लिए वो भी कम है, लाइक विटामिन मिनरल्स है उनकी भी लैक ऑफ वो देखी गई है। उसके साथ साथ ये रिपोर्ट क्या देती है, टू ब्रॉड कैटेगरी है, एक में तो इसने अंडर न्यूट्रिशन बता दी, दूसरी में क्या है रिपोर्ट बताती है क्या क्या फाइंडिंग की गई है, ठीक है, उसके बारे में ये बात करती है। अब उसमें क्या है, इसने जो फाइंड किया है एक तो वास्टिंग के बारे में, जिसमें क्या है वेट कम है एज़ कम्पेयर टू एज, तो हाफ ऑफ चाइल्ड है ना वास्टिंग के देखे गए इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर बात करते हैं पूरे जितना भी हमारा वर्ल्ड है उसमें हाफ जो बच्चे हैं ना वो इंडिया से है जिनके अंदर वास्टिंग देखी गई है, ठीक है। जैसे कि 2022 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो ग्लोबली 6% जो है ना इंडिया के अंदर देखे गए हैं, ठीक है। तो ये सीवियर वास्टिंग के बहुत सारे केस हैं तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखे गए, तो आपको इतना ही है कि हाफ ऑफ चाइल्ड है ना चाइल्ड वेस्टिंग के हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। इसके बाद हमारे स्टंटिंग की बात आती है इसमें, स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग क्या है जिसमें कि लो हाइट देखी गई है बच्चे की, तो 2022 की अगर बात करेंगे तो 2022 में जो था ये 31% था, अप्रोक्स 31% था, और 2022 के कंपैरिजन 2012 के कंपैरिजन में बात करेंगे तो यहाँ पे 41% था, तो इसमें से रिडक्शन देखी गई है कि इसमें रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन देखे पर वास्टिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अब आती है ओवरवेट की बात, ओवरवेट में क्या बता रहे हैं कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं 37 मिलियन, ठीक है, उनके अंदर ओवरवेट देखा गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, इवन ये नियरली इंक्रीज हुआ है 4 मिलियन सिंस 2000 का सन है उसके मुकाबले 4 मिलियन इंक्रीज हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है, तो इंडिया के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला ओवरवेट के। तो इसके रिगार्डिंग जो है इस पूरे आर्टिकल में रिकमेंडेशन दी गई है कि क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या इसके रिकमेंडेशन है। तो जो चाइल्ड सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो चाइल्ड हमारा सफ़र कर रहा है किसके रिगार्डिंग, जो हमारा माल न्यूट्रिशन हो गया, सीवियर वेस्टिंग हो गया, सीवियर वेस्टिंग के कारण, तो उसके लिए हम क्या रिकमेंडेशन क्या करना चाहिए, तो हमें इसके क्या है रिपोर्ट हर बार टाइमली लेके आनी चाहिए जिससे हम क्या करें उसको डिटेक्ट कर सकें बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है, ठीक है। डिटेक्ट अगर करेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इसके अंदर ये रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम केयर कर सकते हैं बच्चे की, उसके साथ साथ इसमें बात करें ग्लोबल ट्रीटमेंट की, जो ग्लोबल टारगेट्स होते हैं हमारे, ग्लोबल टारगेट में क्या है इसमें फोकस किया गया है सिर्फ चाइल्ड पे, ठीक है, चाइल्ड को क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसमें क्या कहा गया है ये फोकस करेगा चाइल्ड के ऊपर और इसमें रिड्यूस करेगा 89 मिलियन, कब तक, बाय 2030 तक, ये इसका टारगेट है ग्लोबली जो टारगेट सेट हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और अब दूसरा क्या है इसके लिए हमें क्या है इसके अंदर रिकमेंडेशन क्या है, इसके लिए हमें रेगुलर डाटा लेके आना पड़ेगा और जो डाटा लेके आएंगे ना वो पर्टिकुलर चीज़ बताएगा कि बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी देखने को मिल रही है, स्टंटिंग में कमी देखने को मिल रही है तो हम उसके रिगार्डिंग काम करेंगे। अगर हमें क्या नाम है कंट्री के अंदर और भी अलग अलग वास्टिंग में दिक्कत देखने को मिल रही है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, तो हम उस डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसके रिगार्डिंग मॉनिटर करेंगे बच्चे को, ठीक है, मॉनिटर करेंगे कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्रिटिकली मॉनिटर एनालिसिस हमें करने की ज़रूरत है कि कंट्री में रीजनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसके वे फॉरवर्ड्स को हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर इतनी ही बात की गई है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।